आज जो चीज हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज वेरी टिपिकल एंड बेसिक मोस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर जिसका नाम है राउल्स लॉ। लेकिन उससे पहले जो चीज हम स्टडी करेंगे वो होगी कि सॉल्यूशंस जो से हम लास्ट टाइम देखकर आए थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, उसमें हमने दो चीजें देखी थी। पहला देखा था जी कि सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड्स के अंदर तो जो सॉल्यूशंस बनते हैं उनको हमने देखा था। एंड उसके बाद जो सेकंड टाइप हमने देखी थी वो हमने देखी थी लिक्विड्स इन लिक्विड। हमने देखे थे कि जब लिक्विड लिक्विड्स का सॉल्यूशन बनता है तो आपके पास क्या कंडीशंस होती हैं। अब इस सिचुएशन से इस लेवल से आगे का जो चैप्टर है वो हमारा लिक्विड्स इन लिक्विड्स को नॉर्मली लेकर चलेगा। ज्यादा डिस्कशन हमारी इन सॉल्यूशंस के बारे में होगी जिसके अंदर दो लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं। और लिक्विड से लिक्विड से जब हमने स्टडी किया था तो हमने उसके अंदर तीन टाइप्स पढ़ी थी। पहली थी इमिसिबल कि वो दो लिक्विड जो कि एक दूसरे में बिल्कुल ही मिक्स नहीं होते। फिर दूसरी थी कि पार्शियली इमिसिबल जिसमें हमने वाटर फिनोल सिस्टम पढ़ा था और हमने एक टेम्परेचर और एक डेफिनेशन स्टडी की थी। और तीसरा था उसके अंदर कम्प्लीटली मिसिबल कि वो दो लिक्विड जो कि आपस में पूरी तरह क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं। तो ये लिक्विड लिक्विड माने अभी तक प्रीवियस हमने इस चैप्टर के अंदर चीजें स्टडी की हैं। अब जो चीज हमने स्टडी करनी है वो है जी अबाउट द आइडियलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। अगर आप लोग अपना चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज करें या 3 में जाएं तो उसके अंदर हमने देखा था कि गैसेस जो होती हैं वो या आइडियल होती थी या नॉन आइडियल होती थी। सिमिलरली यहाँ पर जो है हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि सॉल्यूशंस भी सेम उसी तरह से दो हो सकते हैं कि या सॉल्यूशन होगा आइडियल सॉल्यूशन या आपका सॉल्यूशन होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब अगर हम कंडीशंस को देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं कि वो किसी सॉल्यूशन को आइडियल बनाएगी या नॉन आइडियल बनाएगी तो उसकी तरफ जो है हम अब चलते हैं। हम वो चीजें पढ़ते हैं कि आपको ये पता लगे कि कौन सी चीजें हम देख के ये डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि कोई आया कोई सॉल्यूशन आइडियल है या कि नॉन आइडियल है। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 2-3 जो कि आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि क्या चीज होगी तो कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा और क्या चीज होगी तो वो नॉन आइडियल हो जाएगा। तो पहली है जी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो सी होती हैं आपके अंदर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जाहिर सी बात है कि ये दोनों चीजें जब मिलेंगी तो सॉल्यूशन बनेगा। अब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। पहले आपका सॉल्यूट सेपरेट था, आपने इसको उठाया अपने सॉल्वेंट में डाला और आपके पास प्रिपेयर हो गया एक अदद सॉल्यूशन। तो अब ये वो कह रहा है कि जो आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट की थी जब ये सॉल्वेंट के अंदर नहीं मिला था, जब ये प्योर फॉर्म में था और सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था, हमने इन दोनों को मिलाया तो बन गया सॉल्यूशन। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसकी प्योर फॉर्म में थी और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट की प्योर फॉर्म में थी, अगर तो सॉल्यूशन बनने के बाद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे रिमेन सेम तो हम कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन आइडियल है, अदरवाइज ये नॉन आइडियल कहलाएगा। इसको मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। इट सेज कि अगर आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कौन से हैं, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, इन प्योर फॉर्म के अंदर जो उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, अगर वो सेम रहे सॉल्यूशन बनने के बाद तो हम कहेंगे कि आपका सॉल्यूशन आइडियल है, अदरवाइज हमारा सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा। तो ये पहला क्राइटेरिया है किसी भी सॉल्यूशन को चेक करने का कि वो आइडियल है या नॉन आइडियल है। सेकंड पॉइंट इज द वॉल्यूम।
आपके पास एक सोल्यूट ए था, आपके पास एक सोल्यूट सॉल्वेंट बी था, आपने इन दोनों को मिलाया और आपके पास सॉल्यूशन बन गया। अब वो ये कहता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ए जो सॉल्यूट था इसका वॉल्यूम था 1 लीटर, बी सॉल्वेंट था ये था जी 5 लीटर, मैंने 5 लीटर सॉल्वेंट के अंदर 1 लीटर सॉल्यूट को मिक्स कर दिया, अब इसको मिक्स करने के बाद जो इसका कंबाइंड वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन बनने का वो होना चाहिए 6 लीटर। अगर तो वो 6 लीटर है तो मेरा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है, लेकिन अगर वो 6 से ज्यादा या कम है तो फिर मैं कहूँगा ये कंडीशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की आ गई है। तो अब आपके पास ये वॉल्यूम से रिलेटेड पता लगा कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दो कंपोनेंट्स हैं, अगर इन कंपोनेंट्स का वॉल्यूम बराबर रहता है, एड अप हो जाता है सॉल्यूशन बनने के बाद, उसमें कोई चेंज नहीं आता तो हमारे पास सॉल्यूशन आइडियल होगा, अदरवाइज वो नॉन आइडियल हो जाएगा। तीसरी चीज जो आती है दैट इज दी एंथैल्पी। अगर आप अपने सातवें चैप्टर को रिकॉल करें तो हमने एक एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि जब भी सॉल्यूट को हम उठा के सॉल्वेंट में डालते हैं उसकी हीट के अंदर चेंजेस आती हैं। तो जाहिर सी बात है रियल टाइम के अंदर आपके पास चेंजेस आएंगी, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? अब आइडियल हम क्यों वर्ड यूज करते हैं? क्योंकि वो आइडियल होता है, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, वो आइडियल चीज होती है जिसके अंदर तमाम कंपोजिशन तमाम चीजें वो पूरी होती हैं, क्योंकि वो कागजी कार्रवाई होती है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि बातों में जो है वो सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट कर रहा है। आइडियल सॉल्यूशन की एंथैल्पी जो होगी वो जीरो होनी चाहिए, कि जब भी मैं एक सोल्यूट को उठा के एक सोल्वेंट में डालूं तो उससे जो डेल्टा एच हो वो जीरो रहे, उसकी एनर्जी में कोई चेंज ना आए, तो फिर मैं कहूंगा मेरा सॉल्यूशन आइडियल है। लेकिन नॉर्मली जब भी आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं डेल्टा एच में चेंज आता है, या वो पॉजिटिव होती है या वो नेगेटिव होती है, या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि ये रियल सॉल्यूशंस होते हैं। ये इसका मतलब है कि असल में जो काम हो रहा है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन आइडियल क्या है? आइडियल कंडीशन ये है कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपके पास तीसरी चीज आ गई एंथैल्पी चेंज, कि अगर एंथैल्पी चेंज हो रही है तो आइडियल सॉल्यूशन, और अगर नहीं हो रही तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है जी इसका, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, वो ये है जी कि राउल्ट्स लॉ। अगर तो आपका जो सॉल्यूशन है, इफ द सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ, अगर तो आपका सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है, राउल्ट्स लॉ की जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे इट इज एन आइडियल सॉल्यूशन। और इफ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ तो हम कहते हैं कि आपका सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। तो दिस इज द टिपिकल कंडीशन, और ये बेस्ट क्राइटेरिया होता है किसी भी सॉल्यूशन की आइडियलिटी को चेक करने का कि आइडियल है या नॉन आइडियल है, वो यही होता है जिसको हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ, कि अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे तो वो आइडियल, और अगर वो ना फॉलो करे तो वो नॉन आइडियल। अब यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जी राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ होता क्या है? तो अब हम चलते हैं अपने राउल्ट्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग की तरफ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूट है जिसको मैं कह देता हूं 2 कंपोनेंट, और दूसरा मेरे पास एक सॉल्वेंट है जो कि मेरे पास कंपोनेंट 1 है। मैंने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला और मेरे पास बन गया सॉल्यूशन।
यहाँ पर आपको अपने चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 में जब हमने लिक्विड्स को स्टडी किया था तो हमने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था वेपर प्रेशर का, उसको आपको थोड़ा सा समराइज या अपने माइंड में रिकॉल करने की जरूरत है। मैं यहाँ पे उसको समराइज कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक बीकर था, इस बीकर के अंदर एक लिक्विड था, मैंने इस लिक्विड को क्लोज कर दिया और इसको हीट किया। ये जो लिक्विड था इसमें से जो कुछ मॉलिक्यूल थे वेपर्स की शक्ल में वो बाहर आए। अब चूंकि ये कंटेनर क्लोज है तो वेपर ऊपर थे मौजूद, और ये वेपर जो थे ये वापस जो सा है लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे थे। तो ये लगने वाला जो प्रेशर था इसको हमने नाम दिया था वेपर प्रेशर का। ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में अपने चैप्टर में स्टडी किया था जब हमने बॉइलिंग और वेपरेशन की बात की थी। अब हम चलते हैं रॉस्ट्रॉ की डेफिनेशन की तरफ। वो ये कहता है जी कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर दो लिक्विड्स को मिक्स कर दिया। एक लिक्विड ज्यादा था, एक लिक्विड कम था, एक सॉल्वेंट था, एक सॉल्यूट था। मेरे पास बन गया जी सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के ऊपर वेपर्स होंगे, और वेपर्स किसके होंगे? वेपर भी सॉल्वेंट के भी होंगे इसके अंदर और सॉल्यूट के भी होंगे। तो वो कह रहा है कि एक सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर प्रेशर है किसका? सॉल्वेंट का। क्योंकि ये जो वेपर प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का नहीं है, ये सॉल्यूट के वेपर भी इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की। तो वो कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। अब अगली बात पढ़ते हैं कि वो किसके बराबर होता है। अबव द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट का मतलब है दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है। किस चीजों को मल्टीप्लाई करना है? पहली चीज है जी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास अब एक कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट था और इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो मुझे लिटरेचर से मिल जाएगा। तो मैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को मल्टीप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट बनाऊंगा विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी मोल फ्रैक्शन के साथ। मोल फ्रैक्शन अब कॉन्सेप्ट हम अभी इसी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ के आए थे कि अगर मेरे पास ए और बी दो कंपोनेंट हो जो कि मिलके सॉल्यूशन बना रहे हो तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि हमारे पास इनकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी? एन ऑफ ए वो बराबर होगा कि ए और बी के मोल्स को जमा कर ए के मोल्स को मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों को जमा करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह हम बी की जो है वो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो दिस इज हाउ The definition of Raoult's law says कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्वेंट का लिक्विड के ऊपर वो बराबर होता है उसके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपना मोल फ्रैक्शन को। तो अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाएंगे। मैथमेटिकल फॉर्म ये कहती है कि आपके पास जो P है जो कि क्या है? P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ये बराबर होगा P नॉट के। P नॉट क्या है? उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर का। तो ये P नॉट है जी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और
हमने शुरू में बात की थी कि सॉल्वेंट इज कंपोनेंट वन एंड सॉल्यूट इज कंपोनेंट टू। तो सॉल्वेंट की हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन होगी वो होगी एक्स वन। तो एक्स वन क्या है जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ गई कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन दिस सॉल्यूशन बराबर होता है उसके प्योर के वेपर प्रेशर के और उसकी मोल फ्रैक्शन की प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट का मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई मैथमेटिकल पहली फॉर्म। अब हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। पी इज इक्वल टू पी नॉट इन टू एक्स वन। अब आपको पता है कि जब वन कंपोनेंट टू कंपोनेंट मौजूद हैं तो मेरे पास एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर होगा वन के। ये बात भी हम मोल फ्रैक्शन वाले टॉपिक में पढ़ के आए थे कि सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो अब एक्स वन किसके बराबर होगा? एक्स वन बराबर होगा वन माइनस एक्स टू के। इस एक्स वन को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस इक्वेशन में तो मेरे पास बन जाएगा पी इज इक्वल टू पी नॉट इन टू वन माइनस एक्स टू। ये पी नॉट अंदर मल्टीप्लाई होगा इट विल बी पी नॉट माइनस पी नॉट इन टू एक्स टू। यहाँ से इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूँ तो मेरे पास ये पॉजिटिव इधर चला जाएगा, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से इसकी जो है वो शक्ल बन जाएगी कि पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू P not x2। ये इधर आके पॉजिटिव और ये इधर आके नेगेटिव। दिस P not minus P, दिस इज इक्वल टू द डेल्टा P चेंज इन वेपर प्रेशर व्हिच इज इक्वल टू P not x2। अब यहाँ से हमने बेसिकली x1 से x2 की टर्म में हम क्यों आए हैं? क्योंकि अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम सॉल्यूट को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। हम सॉल्यूट की वजह से आने वाली चेंजिंग को देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जब मैंने सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर में उसकी वजह से क्या चेंज आया। तो हमने x1 को x2 की टर्म्स में जो है वो लिख लिया। अब ये इक्वेशन जो है ये हमें रॉल्स लॉ की एक और डेफिनेशन देती है जो कि ये है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन। किसकी मोल फ्रैक्शन? x2 की बात कर रहा है तो x2 किसकी मोल फ्रैक्शन है? सॉल्यूट की। तो यहाँ से हमारे पास राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन में सॉल्यूट अब इन्वॉल्व हो गया। वो ये कह रहा है जी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग का क्या मतलब है कि वेपर प्रेशर में जो चेंज आया है, वेपर प्रेशर में जो कमी आई है, दैट इज डेल्टा पी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? अब देखें, आपको पता है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते थे तो हम इक्वल टू लगाते थे और साथ में कांस्टेंट लगाते थे। ये इक्वल टू है और पी नॉट क्या था? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था जो कि कांस्टेंट होता है। तो इस सारी चीज को जब मैं खत्म करूंगा तो मैं ऐसी जगह ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से किसी शक्ल बन जाएगी डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू। और यही बात यहाँ पे उसने की हुई है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एक्स टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन नंबर टू ऑफ अवर राउल्ट्स लॉ। अब हम चलते हैं इसी में अमली चेंज करेंगे और डेफिनेशन नंबर थ्री बन जाएगी। ये है जी डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स टू। इसके अंदर डेल्टा पी क्या है जी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट आपके पास था जी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और x2 है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो दीज आर द थिंग्स प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं डेल्टा p को डिवाइड करूंगा p0 से और ये बराबर हो जाएगा x2 के।
दिस इज नाउ थर्ड एंड न्यू फॉर्मूला फॉर राउल्ट्स लॉ, और इसकी डेफिनेशन है जी कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट, जिसको हमने नाम देना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बराबर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से हमारे पास एक नई डेफिनेशन आई राउल्ट्स लॉ की। अब रिलेटिव लोअरिंग का क्या मतलब है कि आपके पास दोनों, क्योंकि अब आप उसको कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली उसके प्योर के वेपर प्रेशर के साथ, तो प्योर के वेपर प्रेशर के साथ चूंकि अब उसका कंपैरिजन है, तो हम कहेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द x2, जो कि क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो दिस वाज द राउल्ट्स लॉ, जो कि आपके पास इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको इसकी डेफिनेशन और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली तमाम डिस्कशन इस एक रूल राउल्ट्स लॉ के ऊपर, इस एक लॉ के ऊपर बेस करेगी। अब थोड़ी सी बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में कि ये जो डेल्टा पी ओवर पी नॉट है, ये जो हमने रिलेटिव लोअरिंग की बात की, ये किस पे डिपेंड करता है। वो कहता है जी कि नंबर वन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कि आप किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अपने सॉल्यूशन को स्टडी करें, जो डेल्टा पी ओवर पी नॉट है ये वैल्यू सेम रहेगी, मतलब ये इंडिपेंडेंट रहेगी, टेम्परेचर के चेंज होने से इसकी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, किस किस वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ेगा, इट डिपेंड्स ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब इसका क्या मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का मतलब है कि जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा x2 की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन है ना सॉल्यूट की, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि किसी एक सिस्टम के अंदर इसके मोल्स का कितना हिस्सा है, तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो x2 भी बढ़ जाएगी, और आपको पता है कि डेल्टा p ओवर p नॉट इज इक्वल टू x2, तो x2 बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, तो इससे पता चला कि इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी। थर्ड पार्ट, थर्ड बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं इट इज कांस्टेंट व्हेन इक्विमोलर, कांस्टेंट होती है ये रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू कब, जब इक्विमोलर प्रोपोर्शंस। इक्विमोलर का क्या मतलब है कि डिफरेंट सॉल्यूट्स विद सेम मोल्स, उनके मोलर प्रोपोर्शन की सेम हो ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स is dissolved in the mass of, in the same mass of same solvent। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैं तीन कंटेनर लेता हूँ, इन तीनों के अंदर मैं एक लीटर फॉर एग्जाम्पल वाटर डाल देता हूँ H2O, वन लीटर H2O एंड वन लीटर H2O। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों के अंदर इक्विमोलर सॉल्यूट डालता हूँ, लेकिन सॉल्यूट होंगे डिफरेंट। मैं कहता हूँ जी दो मोल मैंने डाले किसके अल्कोहल के, इसके अंदर मैंने दो मोल डाल दिए आपके पास किसी और सॉल्ट के, इसके अंदर मैंने टू मोल डाल दिए शुगर के, तो इक्विमोलर ऑफ डिफरेंट solutes in same mass of same solvent, तो क्या होगा, जो relative lowering है delta P over P naught, that will remain constant in all these three cases। तो ये हमारे पास आज का topic था, जिसमें हमने Raoult's law की तीन definition और उसकी mathematical form with the understanding study की।